हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हो रूपा स्टोर। आज मैं आपके साथ ये वॉन्डरिंग जीव प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, इसकी प्रोपोगेशन के बारे में बात करने वाली हूँ, इसकी केयर के बारे में बात करने वाली हूँ। ये जो प्लांट है वॉन्डरिंग जीव का, ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्लांट है गाइस, क्योंकि मुझे इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी लीव्स का जो शेप है वो अपने आईज़ की शेप के जैसा दिखता है और ऐसा लगता है कि आईज़ को मेकअप करा हुआ है। इसकी पत्तियों का कलर देखिए आप, कितनी खूबसूरत है। इसकी पत्तियाँ पीछे से पर्पल कलर है और आगे दो कलर है अलग से, इसीलिए ये प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि तो ये प्लांट इंडोर प्लांट है। आप इसे शेड एरिया में रखिए या तो फिर इंडोर रखिए, खिड़की के पास ब्राइट लाइट रहती है वहाँ पे रखिए, वहाँ पे भी आप हैंग कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप ये प्लांट धूप में रखते हो तो इसकी पत्तियों का कलर फीके हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, उसकी स्टेम भी सूख कर गिरने लग जाती है, इसलिए आप इसे शेड एरिया में रखें। अगर आप एक आध घंटे की धूप में रखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर पूरा टाइम अगर धूप लगती है इसे तो इसकी पत्तियाँ और इसकी स्टेम जो होती है ये सूख कर गिरने लगती है। अगर इस प्लांट को आपने इंडोर रखा है तो आप इसे हफ्ते में एक एक बार या दो बार पानी दे सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे आधा एक घंटे की धूप आती है सुबह सुबह की, तो आप 2 से 3 बार वीकली पानी दे सकते हो। तो चलिए, इसे कटिंग से कैसे ग्रो करना है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो मैंने इसी प्लांट से कटिंग ले लिया है, ये देखिए आप देख सकते हो, छोटी छोटी कटिंग्स ले लिया है और अभी मैं उसी को पॉट में ग्रो करने वाली। ये देखिए बहुत ही छोटी छोटी कटिंग्स लिए है मैंने, पॉट को मैंने रेडी कर लिया है। इसमें मैंने मिट्टी ही डाली है अभी तो, और थोड़ा सेंट मिक्स किया है इसमें, और पहले ही मैंने पानी देके रखा था ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए वो, और कटिंग अच्छे से अंदर चली जाए। और अभी मैं कटिंग को यहाँ डाल दूँगी, ये देखिए आप देख सकते हो। आप जब भी कटिंग लगाते हो पॉट में तो आपको पॉट में तब तक पानी डालना होता है जब तक कि उसके ड्रेनेज होल में से पानी बाहर नहीं आ जाता है और अपनी मिट्टी जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आपको पानी डालना है ताकि जो कटिंग हम लगाते हैं वो ईजिली अंदर चली जाए। आप देख सकते हो मैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है मेरे गमले की मिट्टी, और मैं जो भी कटिंग लगा रही हूँ वो ईज़िली अंदर चली जा रही है, और मैं इसी तरह सारी कटिंग्स लगा लूँगी। ये आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने गमला तैयार कर लिया है और एक दो वीक में ही इसकी जो रूट्स है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही जल्दी रूट्स आ जाती है और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है ये गाइस। आपको भी इसी तरह से कटिंग लगानी है जैसे कि मैंने लगाई है। अभी 2 वीक्स में मैं आपको दिखाऊंगी ये इसकी ग्रोथ कैसी हुई है। चलिए ये देखिए, मैं अभी 2 वीक्स के बाद शूट कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरे प्लांट की। आप देख सकते हो नई पत्तियाँ भी आई है, मैं आपको दिखाऊंगी, छोटी छोटी है काफ़ी। ये देखिए आप देख सकते हो मेरे प्लांट्स में छोटी छोटी नई पत्ती आई है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद ये इसे मैं इंडोर रखने वाली हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है अगर हम फर्नीचर पे रखते हैं तो। इसकी मैं एक रूट्स निकाल के आपको दिखाती हूँ, एक स्टेम निकाल के दिखाती हूँ कितनी रूट्स इसकी डेवलप हुई है, ये देखिए मैं अभी निकालूँगी। मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट थी इसलिए काफ़ी अच्छे से निकल आई है, ये देखिए आप रूट्स देख सकते हो। 2 वीक का रिज़ल्ट है गाइस, ये 2 वीक्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है रूट्स की, ये देखिए आप बहुत ही अच्छी निकली है। इसकी रूट्स काफ़ी पतली होती है और इसे ज़्यादा बड़ा गमला नहीं चाहिए होता है ग्रो, ये छोटे से छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है छोटे कंटेनर में भी, इसको ज़्यादा बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने दूसरी कटिंग्स भी निकाली हैं, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है, ये देखिए ये आप देख सकते हो इसकी रूट्स काफ़ी पतली होती है
और ये पानी में भी ग्रो हो जाता है, जैसे हम मनी प्लांट ग्रो करते हैं पानी में वैसे भी ग्रो हो जाता है, लेकिन मुझे मिट्टी में ज़्यादा पसंद है इसे ग्रो करना। कई बार ऐसा हो जाता है पानी में अगर हम इसे ग्रो करते तो इसकी जो स्टेम है ये सड़ने लग जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसे मिट्टी में ही ग्रो करती हूँ। आप देख सकते हो मैंने वापस इसे मिट्टी में दबा दिया है अच्छे से, ये थोड़ा मिट्टी का ख़राब हो गया तो मैं इसे स्प्रे करके धो दूंगी, वॉश कर लूँगी। ये देखिए वॉश करने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसका जो पत्तियाँ है ना ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसकी पत्तियों के वजह से ही मैं इसे ज़्यादा ग्रो करती हूँ, एक प्लांट से मैं कई ज़्यादा प्लांट बना चुकी हूँ इसका। इसी तरह से आपको ग्रो करना है गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।